आज हम जो बैंगन की रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक स्टाइल से है, जिसके लिए हम यहाँ पर चार बैंगन ले लिए हैं। अब इसी प्रकार से सारे बैंगनों को छिलका निकाल देंगे हम। आप कोई सा भी बैंगन ले सकते हैं, चाहे छिलका हरा हो या सादा हो, या फिर जो हम तो काला लिए हैं, जो भी आपके आपको लगे लेना चाहिए वो ले सकते हैं। यहाँ पर हम सारे बैंगनों का छिलका निकाल दिए हैं। एक प्लेट लीजिए और प्लेट में बैंगन को रख दीजिए और चाकू की सहायता से इस प्रकार पतला पतला कट लगा दीजिए। इस प्रकार ध्यान रखिएगा कि चाकू हाथों में ना लगे। इस तरीका से काट लेना है। ध्यान रखिएगा कि डंठल की तरफ से ज्वाइंट रहे। अब हम इसे इस प्रकार पलटा के फिर से कट करेंगे। इसी तरीका से आपको बैंगन को कट कर लेना है। चलिए हम आपको एक और बैंगन काट के दिखाते हैं। सारे बैंगनों को हमने कट कर लिया है। एक बर्तन लीजिए, उसमें दो गिलास पानी रखिए और उसमें एक चम्मच नमक को डाल दीजिए। उसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए। एक एक करके सारे बैंगनों को डाल देंगे। पानी में बैंगन डालने के बाद पानी से ऊपर आने लगती है बैंगन, इसमें एक भारी बर्तन को डाल दीजिए ताकि ये बैंगन नीचे की ओर दबा रहे। पेस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर प्याज लिए हैं, धनिया की पत्ती लिए हैं, हरी मिर्च की थोड़ी सी टुकड़ी लिए हैं और टमाटर लिए हैं। सारी चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। एक प्लेट लिए हैं, इसमें हम थोड़ी सी आटा चावल की लेंगे, दो चम्मच डालेंगे। अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्चाई पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, ग्राइंड किया हुआ मसाले का पेस्ट एक चम्मच डाल देंगे, थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। पेस्ट को हम अच्छी तरीके से मिला लिए हैं। बैंगन को हम 15 मिनट पहले पानी में छोड़ दिए थे, अब इसे हम पानी से बाहर कर लेंगे। बैंगन को पानी से निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा बैंगन बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है। बैंगन के सारे लच्छे देख लीजिए, हार्ड हो गया है। सारे बैंगनों को हम कोई भी साफ सुथरा कपड़ा से पोंछ लेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे। इसी प्रकार सारे बैंगनों को कर लेंगे। अब हम बैंगन के अंदर में एक चम्मच मसाले को डाल देंगे। मसाला डालने के बाद आप इसे हल्का हल्का हाथों से दबा दीजिएगा, ये चारों तरफ अंदर ही अंदर मसाले घुल जाएगी। बची हुई मसाले को हम ऊपर से भी हल्का हल्का लगा देंगे।
यहाँ पर कढ़ाई हीट हो गया है, अब हम उसमें ऑयल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम तेल बैगन को छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा कि तेल पूरा हीट हो जाए तो ही बैगन को छोड़े, नहीं तो हमारी बैगन टाइट हो सकती है। 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद इसे पलटाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है, अब इसे हम पलटा लेंगे। देख सकते हैं आप कितना यम्मी कलर आया है। फिर इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि निचला पार्ट भी ब्राउन कलर हो जाए। बैगन फ्राई बनकर रेडी है, इसे अब हम निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से बाकी के बैगनों को भी उसी प्रकार तल लेंगे। मसाला बैगन फ्राई बनकर तैयार है आप सभी को सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है, मुंह में पानी आ रही है। हर किसी को पसंद आती है, चाहे बच्चे हो या बड़े। जो बैगन नहीं भी खाते हैं वो मांग मांग के खाने लगेंगे। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।